हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध का आज 69वां दिन है। ऐसे में भीषण तबाही के बाद आखिरकार रूस को युद्ध में पहली बार निर्णायक जीत मिलती दिख रही है। वहीं अब अमेरिका भी दबे मन से अब यह स्वीकार कर रहा है कि यूक्रेन के बहुत जल्द कई टुकड़े हो जाएंगे। कुछ अमेरिकी अधिकारियों का कहना भी है कि जल्द ही रूस यूक्रेन को कई टुकड़ों में बांट देगा। अमेरिका का कहना है कि रूस मई के मध्य तक पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को अलग करने की योजना बना रहा है। ऐसे में रूस इन क्षेत्रों को अलग कर अलग देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं खबर को विस्तार से। ऐसे में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम ऐसी ही महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ी अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को होते हुए अब काफ़ी दिन बीत चुके हैं। ऐसे में दोनों ही देश झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं जहां यूक्रेन की सेना और राष्ट्रपति ने दुनिया के इतने ताकतवर देश को इतने दिन रोक कर रखने पर कई देश अचंभित हैं, लेकिन अब रूसी सेना का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पर यूक्रेन में रूस और मानवाधिकार के उल्लंघन की भी खबरें लगातार आ रही हैं। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन पर हमले के क्रम में अपनी सीमा से लगे भी हिस्सों पर शुरू से ही आक्रामक रहा था। ऐसे में अब वह अपने अधिकार किए हुए यूक्रेनियन कब्जे वाले क्षेत्रों को अलग देश घोषित करने की योजना बना रहा है। वहीं अमेरिका के मुताबिक रूस दिखावे के लिए इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह की योजना बना रहा है, जिसके जरिए कहीं न कहीं रूस दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह यूक्रेन पर कब्जा नहीं चाहता। वहीं पर रूस खेरसान शहर में भी स्वतंत्रता के लिए वोटिंग करा सकता है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में रूस समर्थित अलगाववादी नेता रहते हैं जो रूस का समर्थन करते हैं। ऐसे में दोस्तों, रूस भी यह चाहता कि पूर्वी यूक्रेन को मुख्य यूक्रेन से काट कर अलग कर देने और फिर उन्हें एक देश के रूप में मान्यता देने की है, जहां पर रूस समर्थित सरकार होगी। दरअसल दोस्तों, रूस ने युद्ध की शुरुआत ही डोनेट्स्क और लुहांस को अलग और स्वतंत्र राज्य की मान्यता देकर की थी, ताकि वो यूनाइटेड नेशन की कार्रवाइयों से बच सके। इन सब के बीच अमेरिका ने यह भी कहा कि अमेरिका कभी भी इस तरह के दिखावटी जनमत संग्रह और मनगढ़ंत ओटों को वैध नहीं मानेगा और ना ही वो अतिरिक्त यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जा करने के किसी प्रयास को मान्यता देगा। दोस्तों, इन सब के बीच कहीं न कहीं अमेरिका ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि रूस अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से वहां के स्थानीय नेताओं को अगवा कर रहा है। वहीं पर अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो अमेरिका और ईयू के प्रतिबंधों का रूस पर उम्मीद के मुताबिक कुछ खास असर नहीं पड़ा है। ऐसे में यूरोपियन देशों में रूस पर फिर से नए प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। हालांकि इसके लिए यूरोपियन देशों के बीच मतभेद भी शुरू हो चुके हैं। दरअसल कई यूरोपीय देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह रूस पर निर्भर हैं। ऐसे में वो नए प्रतिबंधों को लेकर रूस पर एकमत होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या रूस को अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराना ठीक है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।